तो मैडम आप चुपचाप बैठिए और सुनिए, अपने काम से काम रखिए, बैठ जाइए। ना मूड ना ब्याज। मेरी फाइल भरेगी, मेरे घर की चौक रख दो। क्या आप मुझे फाइल दे सकते हैं? अपनी फाइल आपको क्यों? आइडियाज नहीं चाहिए, सिर्फ फाइल चाहिए। ओके, फाइल भी चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ठीक है, क्या वो ऊपर नहीं जा रहा हूँ मैं दुकान के लिए, घर से दुकान से घर के लिए आ गए, उसी दिन तो गया रे। आज चैट हो गया नमस्ते सर। बेटा तुम्हारी उम्र के बच्चे हमें दादाजी कह के बुलाते हैं। तो बेटा तुम बताओ, तुम कौन सी नई फिल्म लेकर आई हो? सुबह से जाने कौन कौन से फिल्म सुना रहे हैं लोग। कोई कहता है शादी जापानी में जैसी होनी चाहिए, कोई कहता है चीनी में जैसी होनी चाहिए, कोई कहता है पिज्जा पास्ता होगा, तो कोई कहता है नूडल्स पूडल होगा। अगर जो फिल्म है ना पूरी पूरी इटालियन है, और खाने में भी पास्ता पिज्जा होगा। तुम बताओ तुम क्या नया लेकर आई हो? दादाजी मैं तो बिल्कुल अलग है। क्या अलग है बेटा? शादियां तो हमारे जमाने में हुआ करती थी, क्या रौनक लगती थी। आजकल की शादियां रेडीमेड कपड़ों जैसी हो गई हैं। खैर बच्चों ने जिम्मेदारी सौंपी है तो कुछ तो फाइनल करना होगा उसकी पसंद का। अच्छा बताओ तुम्हारे पास कौन सा नया आइडिया? क्या सोच रही हो बेटा? हाँ नहीं जी, वैसे हाँ मैं ये सोच रही थी कि आपकी पोती की जो शादी हो ना वो ऐसी हो कि आपको अपनी शादी याद आए और आपको एक रिश्ते को भी शादी याद आए। मैं समझा नहीं बेटा। मैं ये कह रही थी कि मैंने जो प्लान तैयार किया उसके हिसाब से बिल्कुल पुरानी जमाने जैसी शादी वही होना चाहिए। मैं समझाती हूँ, बहुत सुंदर है। मतलब जो भी खाना पीना होगा और जो भी सजावट होगी बिल्कुल पुराने जमाने जैसी होगी। मतलब आप यूँ समझ लो कि 70s के जमाने की शादी है। आपके जमाने में हलवाइयों को ना घर से बिठाया जाता था, बड़ी बड़ी कढ़ाइयां लगती थी, एक तरफ शक्कर वाले बन रहे हैं, एक तरफ दूध उबल रहा है खीर के लिए, है कि नहीं? Thank you.
ये है मेरा बड़ा बेटा गौरी शंकर और ये इनकी धर्मपत्नी रमा। शादी सर इसलिए कर रहे हो कि तुम्हारे हाथ का खाना मिलेगा, तो फिर मत कर। शादी कोई मशीन नहीं बहन जी, जो पहले दिन ही परफेक्ट होगी। मेरी बेटी को रिश्ते निभाना सिखाया है। क्या आप अपने इस बच्चे के लिए एक साथ नहीं रह सकते? बिल्कुल नहीं, ये मेरी बेटी है। मैंने अपनी बेटी को टूटे पर टूटना नहीं सिखाया। और मैंने आज तक ऐसी औरत नहीं देखी जो खुद अपनी बेटियों के घर को खराब करे। भगवान न करे कभी आपका इसे पाना पड़े। कोई थी मेरी मुझे नहीं मुझे पता था कर लूंगी। अलग अलग भारत के राष्ट्रपतियों के कार्यकाल में उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। सही आपको देंगे 3-20, गलत आपको नीचे ले आएंगे 10,000। शुरू भुवनेश्वर उड़ीसा से इधर RBI के रिटायर्ड चीफ जनरल मैनेजर स्टूडेंट ये यादव और अपने जीवन की कई समस्याओं का समाधान होता है। नहीं याद रहेगा तो फोन करना। नारियल पानी ना उसको पापा को बोलना ऊपर से कटवा के छेद करना फ्रिज में रख दूंगी। महात्मा गांधी मैं आपको बताना चाहूंगा कि चार्ली चैपलिन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, बिल गेट्स, टाटा, गुरुवार पानी जैसी अनेक हस्तियों की सफल कहानी फिर से की कलम से रची है। हार के मुंह से जीत को लाने की ताकत रखता है ये शब्द। ये मन एक मार्गदर्शक माता पिता की तरह इन खिलाड़ियों से कह रहा है कि अपने जोश और आत्मविश्वास को बुलंद करके फिर से कोशिश करें। हिमालय हो या मनालय तो यहाँ पर आता है, आप सब कुछ फतेह कर सकते। तो एक बार फिर से आज के हमारे कंटेस्टेंट्स का तालियों के साथ स्वागत किया जाए। सबसे पहले से शुरू करते हुए इन नेताओं को उस क्रम में रखे जिस क्रम में ये पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने। स्टार्टिंग विद द अर्लीस्ट अरेंज द फॉलोइंग लीडर्स द ऑर्डर दैट दे फर्स्ट अस्यूम द ऑफिस फॉर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। रेडी
आपके ऑप्शन है, ये आपके सामने लाल बहादुर शास्त्री बी इंदिरा गांधी सी एच टी देवेगौड़ा समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री 1964, फिर आता है बी इंदिरा गांधी January 24, 1966, फिर आता है डी बी नरसिम्हा राव June 21, 1991, और अंत में सी एच बी देवेगौड़ा June 1, 1996। यह है ए बी डी सी। इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है उनके नाम है केवल एक रविंद्र कुमार आचार्य। भाई साहब आइए, बहुत बहुत बधाई आपको। और आप बोलते हैं सुरक्षित है, बैठ गए रखी से बैठ। जब आपका हमने नाम सूचित किया तो हम ढूंढ रहे थे कहाँ है। नहीं, मुझे बताया गया था कैमरा को देखना चाहिए, वो कैमरा ढूंढ रहा। ओहो, बहुत बहुत बधाई आपको रविंद्र जी, आलियों के साथ इनका एक बार फिर से स्वागत। कैमरा ढूंढ रहा। देखिए सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं भुवनेश्वर उड़ीसा से आए आरबीआई से रिटायर्ड चीफ जनरल मैनेजर रविंद्र कुमार आचार्य। रविंद्र जी सबके फेवरेट बनना चाहते हैं और ये चाहते हैं सब इनकी भी तारीफ करते हैं। अद्भुत है आप। रविंद्र जी आपके सामने हैं, खेल के नियमों को पढ़ोगे क्योंकि ये सब उनको बताना पड़ता है। धनालय जो यहाँ पर अभी खड़ा हो गया है, ये देखिए धनालय, ये प्रश्नों का धनालय है और इसमें आएंगे 15 प्रश्न, 1000 रुपए की शुरुआत होगी, बढ़ते बढ़ते जाएंगे 2000 रुपए और अंत में पहुंचेंगे 15 प्रश्न जिसका मूल्य 1 करोड़ रुपए। भाव है 2 इस धनालय क्योंकि अब आपके बगल में आ गया है। एक है 5वें प्रश्न 10,000 और दूसरा है 10वें प्रश्न 3,20,000 और दूसरा पड़ाव पार करके ही कोटि की चोटी का प्रश्न खुल जाता है 16वां प्रश्न जिसका मूल्य 7 करोड़ रुपए। समय की पाबंदी लगाएंगे घड़ी बड़ी जी, पहले 5 प्रश्न तक आपको मिलेंगे 45 सेकंड, उसके बाद 5वें से 10वें प्रश्न मिलेंगे 60 सेकंड, उसके बाद भी समय से। यदि आप 1 करोड़ रुपए का प्रश्न का सही उत्तर देते हैं और जीत जाते हैं तो 15वें सवाल से 16वें सवाल तक जाने के लिए अगर आपके पास कोई लाइफलाइन होगी तो वो डीएक्टिवेट कर दी जाएगी, यानी 7 करोड़ रुपए पाने के लिए आपके पास कोई भी लाइफलाइन नहीं होते हुए भी यूज नहीं कर पाएंगे। नहीं कर, अगर होगी भी तो वो डीएक्टिवेट कर। कुछ निराश हो गया है तो सवाल 7 करोड़ रुपए, फिर भी 7 करोड़ के लिए लाइफलाइन होना चाहिए। तो ये जो खेल के मालिक है अगर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और रविंद्र जी की बातों को सुन रहे हैं, कृपा करके इनकी बात भी मान लीजिए ताकि हमारा काम जो है आसान हो जाए। ओके, आपकी सुविधा के लिए लाइफलाइन रखी हुई है, बड़ी औजार लाइफलाइन। ये देखिए आ गई लाइफलाइन, बगल में आ जाइए तो हम बता दें। सबसे पहली लाइफलाइन है ये ऑडियंस को, तो यहाँ की जनता से आप प्रश्न पूछ सकते हैं। दूसरी लाइफलाइन है 50-50, तो 2 गलत उत्तर मिटा दिए जाएंगे, 2 बचेंगे उनमें से 1 सही होगा। उसके बाद है जोड़ीदार, तो आपकी पत्नी जी आकर के आएंगे सलाम मशवरा। आप पत्नी जी की बात आप सुनते हैं कि नहीं? सुनते हैं तो वो आएंगी यहाँ पर और आप उनसे उत्तर पूछ सकती हैं। और चौथी और आखिरी लाइफलाइन है आस्क द एक्सपर्ट, और आज के हमारे जो एक्सपर्ट है उनका नाम है पंकज पचौरी। सचिव पंकज पचौरी जी, ये इंडिया के पहले ऐप बेस्ड टीवी न्यूज चैनल गो न्यूज, ये फाउंडर है और एडिटर इन चीफ है। पंकज जी प्रणाम करता हूँ आपको, प्रकट होइए हमारे सामने। वाह, नमस्कार, बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। नमस्कार, आपका धन्यवाद। यहाँ की जनता आपका अभिनंदन कर रही है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंकज जी।
हमारे सामने जैसा कि आपने सुन लिया होगा, बहुत बहुत धन्यवाद। रवीन्द्र कुमार आचार्य जी बैठे हैं और अपना सलाह मशवरा आप या कुछ आशीर्वाद या कुछ ज्ञान या गुण की बात अगर आप इनको बताना चाहें तो यही मौका है बता दीजिए। जी बिल्कुल, ज्ञान की बात, ये खुद ज्ञानी नजर आते हैं मुझे और हमारी शुभकामनाएं इनके साथ में है। लेकिन एक बात मैं जरूर यहाँ पर कहना चाहूंगा, केबीसी एक बहुत अच्छा विचार है जिसमें ये सामने आता है कि आप अपने ज्ञान के बल पर आगे बढ़ सकते हैं। आप किसी भी पृष्ठभूमि किसी भी परिस्थिति से आ रहे हो तो ये बहुत ही अच्छा विचार है और इसको कोई नहीं रोक सकता। जब तक आप चलेंगे हम आपके साथ चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंकज जी। एक लाइफ लाइन अंकर से आना चाहिए, अगर क्वेश्चन हम नहीं दे पाए अंकर हमसे उत्तर बना देते। ये एंकर कौन है हमको पता नहीं, और बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि एंकर जो है वो कुछ इशारा करता रहे। नहीं हम नहीं सोचता है। नहीं अभी तो आप खेले नहीं है, कैसे पता आप? नहीं हम देखते रहते थे ना। अच्छा खेल देखते रहते देखते हमेशा, इसीलिए तो कभी आया है। आपने कभी आंख मारी हो या कभी नहीं? कभी नहीं। अब मैं भी ये सब बोलता हूँ कि आपने कभी नहीं ऐसा किया। तो फिर क्यों आप चाह रहे हैं कि ये कैसा है? तो इसलिए वो फॉर्मलाइज हो जाएगा ना। अब अगर फॉर्मलाइज ना करके कुछ हो जाएगा, लोगों को अगर पता चलता है अंकर ऐसा करता है, अगर फॉर्मलाइज हो गया तो रूल के अनुसार अंकर कर सकता है। ये नियमों के खिलाफ है। नहीं अभी नियम बना दिया गया तो खिलाफ नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमको कंप्यूटर जी बता रहे हैं कि इंग्लैंड में जो केबीसी होता है वो शुक्रिया एडिटेड है, उसमें एक हाल ही में अभी एक लाइफ लाइन जो है वो ऐड कर दी गई आस्क द कोच, यानी वो लाइफ लाइन जहाँ अगर आ गई तो हमारी नौकरी बहुत खतरे में होगी क्योंकि हम तो जवाब दे नहीं सकते। अभी हाल ही में विलायत में जो खेल हो रहा है ये उसमें ऐसा है जो भी आपने हुआ, मुझे ऐसा पता नहीं था। अगर वो इंग्लैंड में शुरू हो सकता है, आप ज्ञानी है, आप परम ज्ञानी है, आपको सब पता है। अगर इंग्लैंड में शुरू हो गया है तो शुरू करने में कोई दिक्कत नहीं। सुन लीजिए इनकी बातें, बहुत सारे सुझाव दे रहे हैं, खेलेंगे कम सुझाव ज्यादा देंगे। सुनिए खेलेंगे ओके। और अब चलिए शुरू करते हैं, कौन बनेगा करोड़पति को पावर बाय वीवो V11 प्रो महिंद्रा 500 एंड हैवल्स राइडिंग। लेट्स प्ले। पहला प्रश्न आ रहा है, 1,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर गया, इनमें से किस उपकरण का इस्तेमाल सतह से भारी वस्तुओं को ऊपर उठाने के लिए किया जाता है? विच और दीज इज अ डिवाइस यूज टू लिफ्ट हेवी ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द ग्राउंड। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड। ए जी बी जैक सी जोन्स डी जे जैक बी ताला लगा जाए बी जैक पे ताला लगा जाए। सही उत्तर आपका 1,000 जी लोहे का बना हुआ होता है जैक और इसे गाड़ियों के पीछे लगा रहता है जहाँ इसका प्रयोग वाहनों के एक्सल को जमीन से उठाने के लिए किया जाए। हर गाड़ी के अंदर एक होता है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न 2,000 रुपए के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रवींद्र कुमार जी, इनमें से क्या एक हिंदू महीने का नाम है? विच ऑफ दीज रिफर्स टू द नेम ऑफ अ मंथ इन द हिंदू कैलेंडर। रेडी? ऑप्शन है ये ए अविनाश, बी अद्वैत, सी अमित या डी अश्विन। डी अश्विन जो है ताला लगा दे। डी अश्विन ठंडे रुचि, ये भी सही उत्तर है आपका 2,000 के लिए। बहुत खूब। साल के 12 महीने होते हैं, आपको तो ज्ञान होगा इसका। चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, अश्विन, कार्तिक, कार्तिक चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं 3,000 रुपए के लिए तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स की जर्सी का मुख्य रंग क्या? क्रिकेट वगैरह देखते हैं या देखते हैं? व्हाट
is the primary jersey color of the IPL team Chennai Super Kings. Awesome to me. A. Orange, B. Yellow, C. Red, B. Purple. No, B. Yellow. Sure, right? और ये भी बता दूं आपको कि यहाँ तो आपने सही रंग चुन लिया है, लेकिन आपका और हमारा जो नहीं बस का जो रंग है वो भी एक हम एक कैटेगरी में पहने वही कलर हम भी पहने। आप सदियों के महान आए थे, आज तो आप महान आए। चौथा प्रश्न आ रहा है रविंद्र जी, तो बड़ी जल्दी आगे बढ़ते हैं। 5,000 रुपए चौथा प्रश्न आप स्क्रीन को पढ़िएगा। बीजू जनता दल के संस्थापक कौन है? हु इज द फाउंडर ऑफ द बीजू जनता दल? ऑप्शन ए नवीन पटनायक, बी बीजू पटनायक, सी जानकी वल्लभ पटनायक, डी गोविंद बीजू पटना। शोर है विजयानंद पटना जानक वाले पटना। फिफ्टी फिफ्टी कर दो, शांत हो जाए घड़ी जी, एक लाइफ लाइन इस्तेमाल करेंगे रमेश जी। फिफ्टी फिफ्टी से अंकित किया जाए और 50-50 दो गलत उत्तरों को मिटा देता है। मिटा दीजिए, बताइए बीजू पटनायक का पोर्टल से चले गए। बीजू जनता जल्दी बोलिए। तो फिर नवीन पटनायक, नवीन पटनायक एक थाला लगा जाए कंप्यूटर जी। ये सही उत्तर है, 5,000 जीत गया। क्वेश्चन था बीजू जनता दल की स्थापना ओडिशा के वर्तमान मुख्यमंत्री ने 26 दिसंबर 1997 को की थी। इस पार्टी का नाम ओडिशा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और नवीन पटनायक के पिता श्री बीजू पटनायक के सम्मान में। बहुत लोगों को ऐसा भ्रम हो जाता है कि क्योंकि ये बीजू जनता दल है इसलिए उन्हीं के नाम से श्रद्धापूर्वक अपने पिता के नाम से इसको। हमने सुना है कि आप अपने जब दफ्तर में काम करते थे तो ज्यादातर लोग आपको इसीलिए पसंद करते थे कि जो डॉक्यूमेंट्स मैं देखूंगा वो सही रहेगा, कि उन लोगों का एक था इंप्रेशन, उसे मैं बहुत मेटिकुलसली चीज देखता। अगर मेरे हाथ से कोई डॉक्यूमेंट कोई फाइल जाए तो इसमें गड़बड़ी कुछ नहीं हुआ, स्पीड और एक्यूरेसी को एंश्योर करते हुए सबके मन में ऐसा मानना था कि जो भी आप देखेंगे वो सही होगा और वो सच होगा। और कम लोगों के अंदर ऐसा विचार होता है और आपके अंदर है, आपके लिए हम अभिनंदन करते हैं। तो यहां लेंगे छोटा सा ब्रेक, देखिए संजय बहुत जल्द वापस आएंगे, कहीं भी जाने की कोशिश मत कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे तो ऐसा लगता है मैं गीता से हर रोज हर बार हर पल मेरा रहना पसंद है। पेपर किताब न जाने उसके बिना वो एक मुहूर्त भी चल नहीं पाए। उसका पहला पत्नी कौन? पत्नी के साथ कभी डिबेट हुआ बताए, बहुत मीठा डिबेट। ये सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है? इतनी देर बाद उन्होंने कहा है इसका मतलब मीठा नहीं है। मैं तो रिटायर्ड हुआ हूँ 2015 से, अगर मुझे सीनियर सिटीजन का फीलिंग नहीं आता है, आपके जैसा मुझे यंग किया। स्क्रीन के बढ़िया रहा सर, बहुत ही था। 16 सेकंड रह गए, उत्तर दीजिए। यूं तो ये दोनों मामूली साथ हैं, पर इसलिए खास है। जब रिश्ता मुसीबत बन जाए तो उसे तोड़ना ही अच्छा है। वो और घरों के लिए जहाँ पे शादियाँ टूटती है, कि ये तो अनमोल रत्न प्यार में पड़ने वाले हैं। लेकिन मैंने अपनी बेटी को टूटे पर जोड़ना नहीं सिखाया, और इससे जोड़ना भी जानते हैं और निभाना भी जानते हैं।
जो माओ के होश में अलग ही जा रहे हैं। क्या होगा अगर ये घर बैठेंगे? क्या सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे स्कूली पड़ी कर लो अपने बच्चों को फ्री क्योंकि जल्द शुरू हो रहे हैं ऑडिशन सुपर डांसर चैप्टर फ्री सुपर तो Unlock the amazing with in-display fingerprint scanning. Vivo V11 Pro. Aya! Achaya! Chupaya! Cupboard badaya! Chumaya! आर्यन ने स्टैंडर्ड का हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल स्विच लगा लिया और स्पेस बना लिया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो यंग एनर्जी आज अप्पू बहुत खुश है इसलिए नहीं कि उसने नई फ्रॉक पहनी या इसलिए कि उसे नए खिलौने मिले चाय तो वो कभी भी खा सकते और इस झूले पर तो वो पिछले साल भी बैठे थे मगर एक चीज है जो वो हर साल करना चाहते थे और आज पहली बार कर पाएगी क्योंकि हर साल जब मिला होता था तब मैं शहर में काम कर रहा होता था अप्पू ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब वो मेले में मम्मी और पापा दोनों के साथ फोटो खिंचवाएगी और शायद ये आपने भी कभी नहीं सोचा था कि ये आपकी वजह से हुआ है जब जब आप एक्सिस बैंक के साथ जुड़ते हैं तब तब एक्सिस बैंक फाउंडेशन को मिलता है मौका किसी को एक बार फिर अपने परिवार से जोड़ने का ये देखिए एक के साथ एक फ्री शेविंग कर लूँ तो मिल जाए सस्पेक्टेड एडवांटेज असेसिंग आस पास का सिस्का है लेकिन लाइक ये सही सिस्का ready for shooting the new feature of it Renault Quid Renault passion for love Got my hunk. Priya Gold Hunk with Choco Caramel Nougat. Priya Gold Hunk. Taste a blockbuster. Fried Factory presents India's first unbranded to branded festival. Chop Purane Tennis. T-shirt, stopper, or sports footwear. Milenge exchange value. Plus, branded merchandise shopping bag up to 40% discount. The Chido Pen is branded from Brand Factory. Shadi ka khayal aaye to shayad.com nahi, shadi.com par aaiye. Yahan 50 lakh logon ko mila apna perfect life partner. Shadi.com. Aaj hi register kare. आइसक्रीम ये है डबल आनंद पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मेजॉरिटी क्लेम का पूरा भुगतान और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के LIC न्यू जीवन आनंद आनंद ही आनंद कुत्ता है ना जो ऐसे ऐसे करता है वो लगाऊंगा यहाँ पे यहाँ पे ना एलईडी लाइट लगाऊंगा आई लाइक मैट फिनिश ऐसा लगता है जैसे कुछ कराया नहीं बट कराया एक फ्रिज लगवाऊंगा कोल्ड ड्रिंक टायर बदलने का ख्याल आए ना आए इसलिए टायर जो लंबा जाए सीएट माइलेज X3 चले 1,00,000 किलोमीटर तक सीएट इट हेल्प्स शायद आपको पता नहीं बट द एयर इनसाइड योर होम कैन बी 5 टाइम्स मोर पोल्यूटेड देन द आउटसाइड इसीलिए रॉयल एटमॉस Its deactivated carbon technology reduces most of the harmful pollutants from the air, making it cleaner than before. Royal Atmos. Clean air, beautiful home. Let's do this. Bye-bye.
Anita Hasmandani, at present, teaching show career.